बॉस, जी हाँ, भोजपुरी का बॉस कौन, तो कोई भी कहेगा पवन सिंह। 2020 और 2021 की लिस्ट लेकर आए हैं उनके फिल्मों की। तो भाई आज जल्दी जल्दी से आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए और जानिए कि 2020 और 21 में पवन सिंह की धमाकेदार फिल्में कौन होंगी। तो भाई उनकी आएगी पहली फिल्म बॉस, दूसरी फिल्म पवन पुत्र, तीसरी फिल्म इस पे कोई जोर नहीं, चौथी फिल्म शपथ, पाँचवीं फिल्म सजना पे दिल आ गई। पवन सिंह की छठवीं मूवी है क्रिमिनल, सातवीं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, आठवीं फिल्म सात मेहरिया, नौवीं फिल्म महानायक, दसवीं फिल्म गुलाम, ग्यारहवीं फिल्म घातक, बारहवीं फिल्म लव इन गोवा, तेरहवीं फिल्म कश्मीर हमारा है और चौदहवीं फिल्म वांटेड टू, जो कि निधि झा के साथ आएगी। अब आपको बता देते हैं कि 14 फिल्म आएंगी बैक टू बैक 2020 और 2021 में पवन सिंह की। उसमें से सबसे ऊपर है पवन पुत्र। जी हाँ, पवन पुत्र की शूटिंग हो चुकी है और तो और इस फिल्म में पवन सिंह के साथ पंजाब की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा नजर आएंगी। अभिनेत्री का नाम है प्रियंका रेवड़ी और उन्होंने काफ़ी पंजाब में काम किया हुआ है। और वांटेड, जी हाँ, वांटेड टू आएगी क्योंकि वांटेड ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, वांटेड टू पे काम चालू है। पवन सिंह की किसी फिल्म को लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करेंगे तो वो फिल्म होगी घातक। जी हाँ, घातक ये मूवी ऐसी है जिसके लिए पवन सिंह के फैंस उनका इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को सनी देओल की फिल्म घातक से इंस्पायर बताया जा रहा है। और तो और इनकी शपथ मूवी भी, जो कि इनकी फिल्म का पोस्टर रिलीज कर दिया गया, इस फिल्म को भी लोग देखना चाहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ ये एक्शन में नज़र आते हैं पवन सिंह, रोमांस करते बड़े ही कम देखे जाते हैं। फिर सात मेहरिया की बात कर लें तो सात मेहरिया एक ऐसी मूवी होगी जिसमें पवन सिंह के साथ सात हीरोइनें नज़र आएंगी। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। और गुलाम, गुलाम मूवी में पवन सिंह एक गुलाम का कैरेक्टर निभाएंगे जो कि अपने बॉस के इशारों पे चलता है, लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि दुनिया उससे आगे भी है तो वो अपने बॉस से कर देता है बगावत। और अब बात कर ले लव इन गोवा की, तो जिसकी अनाउंसमेंट 3 से 4 साल पहले हो चुकी थी लेकिन बताया जा रहा है कि 2021 तक ये मूवी भी रिलीज़ हो जाएगी। एक हिंदी मूवी है और दर्शक बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस हिंदी मूवी का। साथ ही साथ आपको बता दें कि वांटेड टू, जो कि लोग देखना चाहते हैं फिर से। तो इतनी सारी मूवी है, 14 मूवीज़ हैं 2020 से 2021 के दौरान रिलीज़ होंगी। भाई अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो 2020 और 2021 पूरी तरह से पवन सिंह का है। हर एक हीरो की लगभग 7 से 8 फिल्में रिलीज़ होती हैं भोजपुरी फिल्मों में, अगर भोजपुरी स्टार्स की बात करें, लेकिन पवन सिंह हैं जो कि उनकी अगर डेट फिक्स होती है तो पूरी तरह से पैक हो जाती है उनकी डेट 2 सालों तक के लिए। तो ये रही 2 सालों की लिस्ट, 14 फिल्में हैं और साथ ही साथ आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि पवन सिंह की हर एक फिल्म को सुपरहिट बनाइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।